calmly without attracting इस सीसीटीवी फुटेज में बहुत इत्मीनान से काबुल पुलिस हेडक्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अच्छे लिबास में मलबूस इस शख्स ने किसी को अपनी जानिब मुतवज्जे नहीं किया। बज़ाहिर इसके हाथ में दस्तावेजात हैं और वो वहां खड़े सिक्योरिटी अहलकारों से पुलिस चीफ के दफ्तर का रास्ता भी पूछता है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो पता चला वो तालिबान की जानिब से भेजा गया खुदकुश बम्बार था। ये वो कमरा है जहां खुदकुश बम्बार ने खुद को धमाके से उड़ाया था और आप देख सकते हैं कि कमरे को कितना नुकसान पहुंचा है। अब यहां मरम्मत का काम जारी है। इत्तेफाक से पुलिस चीफ खुद यहां मौजूद नहीं थे बल्कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ इस जगह बैठे थे और लोगों की बड़ी तादाद भी थी। हमले में चीफ ऑफ स्टाफ हलाक जबकि 6 लोग जख्मी हुए थे। पुलिस चीफ इस हमले से बाल बाल बचे थे। अगर यह हमला चंद मिनट बाद होता तो वो भी इसी कमरे में मौजूद होते। कई महकमों में तालिबान के जासूस मौजूद हैं। कोई ऐसा शख्स जो यहाँ बहुत से लोगों को जानता है, पुलिस की गाड़ी में खुदकुश बम्बार को यहाँ लाया था और उसकी सही तरह तलाशी नहीं ली गई और बाद में उसे सीढ़ियों के पास छोड़ दिया गया। काबुल में पुलिस हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी बहुत सख्त है, लेकिन खुदकुश बम्बार पुलिस की गाड़ी में सवार था और मरकजी दरवाजे से दाखिल हुआ था, इसीलिए उसे किसी ने नहीं रोका और वो तमाम चेक पॉइंट्स उबूर करता हुआ इन सीढ़ियों के पास पहुंच गया जो सीधा पुलिस चीफ के ऑफिस को जाती हैं। धमाका खेज मवाद खुदकुश बम्बार के अंडरवेयर में था। धमाका खेज मवाद बहुत ही जदीद नौयत का था और अगर तलाशी के दौरान उसे हाथ लग भी जाता तो पता नहीं चलता। इस हमले के बाद भी यहाँ तलाशी का निज़ाम बहुत नाकिस है। न मेटल डिटेक्टर हैं, एक्सरे मशीनें और न ही स्कैनर। दारुल हुकूमत की मॉनिटरिंग के लिए कायम किए गए नए कंट्रोल सेंटर का दौरा करवाते हुए पुलिस चीफ का कहना था कि उन्हें पता है कि उन्हें किसी भी वक्त हलाक किया जा सकता है।